दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के चैट बैकअप को करते हैं और आपका ओल्ड चैट नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा ओल्ड चैट जो है वो बैकअप नहीं हो पा रहा है, उसको हम जो है रिकवर नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि भाई हमारा चैट तो डाउनलोड हो गया लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, वो शो नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारी चैट बैकअप की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए उसको। सबसे पहले उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि कैसे हम अपने चैट को रिकवर कर सकते हैं। कितनी भी पुरानी चैट हो इंस्टाग्राम पे, उसको बहुत इजीली जो है रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले जाऊँगा योर एक्टिविटी ऑप्शन पे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे ओल्ड से ओल्ड चैट आप यहाँ पे जो है रिकवर कर सकते हैं। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा गाइस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट और डाउनलोड। ये तो आप सभी को पता होगा जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो देखी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी पे टिक लगा के और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे पूछेगा कि कंप्लीट आप कॉपी चाहते हैं अपना जो भी इंस्टाग्राम का डाटा है, या अगर आप जो है टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी केवल अगर मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैसेज चाहिए तो मैसेज को सिलेक्ट करूँगा, बाकी आपको कुछ भी चाहिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मुझे मैसेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे मैसेज पे जो है गाइस टिक लगा दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे गलती आप लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग डेट रेंज को सिलेक्ट नहीं करते। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सबसे डेट रेंज लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है गाइस। और यहाँ पे जैसे मेरा लास्ट ईयर का लगा हुआ है तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो है लास्ट 3 इयर्स का लगा सकते हैं, अगर 3 साल जो है पिछले का चैट चाहिए। अगर आपको ऑल टाइम का चाहिए तो ऑल टाइम का लगा सकते हैं, 6 मंथ का चाहिए 6 मंथ का लगा सकते हैं, या कस्टम भी लगा सकते हैं। कस्टम कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो कस्टम लगाने के लिए गाइज एडिट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है कि भाई मुझे इस डेट से इस डेट के बीच का सारा चैट चाहिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो है कस्टम में आप जो है अपने डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे गाइज जो है ऑल टाइम का अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर डाटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपके पास में वाईफाई नहीं है। तो इसलिए आपको जिस भी टाइम पीरियड का चैट चाहिए उसी टाइम पीरियड को सिलेक्ट करिए ताकि कम से कम टाइम में आपका जो चैट है वो आप रिकवर कर पाएँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको गाइस सिलेक्ट कर लेंगे, अब मुझे यहाँ पर इतना पुराना तो चाहिए नहीं भाई, मुझे यहाँ पर लास्ट वीक का मुझे देखना है क्योंकि मैं आपको जस्ट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो लास्ट वीक पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया गाइज मैंने। तो जैसे ही गाइज मैं सेव पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे जो चैट का बैकअप है वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका चैट हिस्ट्री कितना बड़ा है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैट हिस्ट्री है तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर थोड़ा बहुत है 2 MB 3 MB का है तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा। किसी किसी का 1 GB 2 GB में चला जाता है तो उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पे। तो आपको इसी पेज पे यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पुराने हिस्ट्री पे भी मैंने डाउनलोड करके रखा है चैट्स को। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ कि लोग भाई जो है डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन ओपन नहीं होता चैट। तो क्या होता है कई बार फ़ोन में हमारे कुछ फाइल्स के फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है ऑल, और इसके बाद में यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स रीडर। यहाँ पे गाइस जो ऑल डॉक्यूमेंट रीडर है सबसे पहला ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, 4.6 की रेटिंग के साथ में आता है। इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है गाइस। इसमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, तो आपका चैट किसी भी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स में होगा आप उसको इजिली रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल जरूर कर लेना। अगर आपके फ़ोन में अच्छा सा HTML वीवर नहीं है तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। हालांकि मेरे फ़ोन में एक अच्छा HTML वीवर है जिससे मैं अपने चैट को इजिली पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई भी एक्सटर्नल ऐप की ज़रूरत नहीं, यानी अलग से कोई मुझे ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका डाटा जाएगा कहाँ पे, तो आपको अपने फाइल मैनेजर पे आना है और डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे चले जाना। यहाँ पे आपको सारी चैट का जो यहाँ पे आपको जो है बैकअप फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं मैसेज लिखा हुआ है। अब ओपन करने के लिए मेरे पास HTML वीवर है, मैं इससे ओपन करता हूँ, मेरा ओपन हो जाता है। आपका नहीं होता है तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला ऐप बताया है आप इससे ओपन करना सेम चीज़, तो आपका जो यहाँ पे चैट से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मेरा जो यहाँ पे बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं वन टाइम बैक कर लूँगा, अगेन से फिर से क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मेरा 3 MB का जो यहाँ पे साइज बन चुका है चैट का। अब इसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे जो चैट है वो डाउनलोड हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन से, और उसके बाद में आपका जो चैट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि भाई डिलीटेड चैट को कैसे रिकवर करें।
तो भाई जो चैट ऑलरेडी डिलीट हो चुके है उसको ऐसे रिकवर आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए पहले से आपके फ़ोन में एक ऐप पड़ा होना चाहिए, जब वो ऐप रहेगा उसके बाद कोई भी चैट आपका डिलीट हो उसको जब भी चाहे आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली है, वो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि डिलीटेड चैट कैसे रिकवर करते हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दें। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।